बाज दरिया की तरह बह रहे थे। खुशबू की दिल धड़कने लगा, वो भी ऐसा ही महसूस करती थी, लेकिन खौफ और समाजी तौक़ात उसे रोक रहा था। उसने साहिल की आंखों में देखा, उसकी आवाज़ बेमुश्किल सरगोशी से ऊपर थी। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ साहिल। इनके होंठ एक नरम मगर पुरजोश बोसे में मिले, जिसे इनके इर्द गिर्द की दुनिया पिघल गई हो। उन्हें मालूम था कि इनकी मोहब्बत ममनू है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सकते थे। वो अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। इधर बासित अली खुशबू के वालिद उसके बार बार गायब होने पर शक में पड़ गए। उन्होंने उसे मुख्तलिफ समाजी तबके के किसी मोहब्बत करने के खतरात से आगाह किया, लेकिन खुशबू का दिल सुनने को तैयार न था। जब किस्त ख़त्म होती है, साहिल और खुशबू की मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन आगे की राहें नाकाबिल उबूर लिखती है कि इनकी मोहब्बत इन चैलेंजेस को पार कर पाएगी या वो सहरा में फूलों की तरह मर जाएंगी। व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल शिद्दत की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब सुल्तान को मैसेज आता है और इस राय से पूछते हैं कि कौन है, तो सुल्तान खामोश हो जाता है और हंसता है और कहेगा कि और कौन हो सकता है, इशार लिया है। व्यूअर्स ये सुनकर इस राय बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि बार बार ये सुल्तान को मैसेज क्यों कर रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अपनी तस्वीर पोस्ट करेगा और आप देखेंगे कि इस पर सुल्तान का बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। और व्यूअर्स इस राय बहुत ज़्यादा परेशान है इस वजह से कि सुल्तान मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। लेकिन व्यूअर्स आप अगले किस्त में देखेंगे ये कि अब इसरा भी सुल्तान को इग्नोर करना शुरू कर देगी, और इसका ये रिजल्ट आएगा कि सुल्तान के साथ ये फिक्र होगा कि आखिरकार मुझे क्यों इग्नोर कर रही है। और सुल्तान ये चाहता है कि मैं कई लड़कों से मिलूं और लड़कियों के साथ डिनर करूं, लंच करूं, और इसके साथ इस तरह रेस्टोरेंट पे जाओ, और ये सब कुछ इसरा को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसरा चाहती है कि बस मेरे माजी में जो भी था वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने आने वाले टाइम में सुल्तान के साथ रहना चाहती हूँ, उसके साथ खुशी खुशी अपने लाइफ गुजारना चाहती हूँ। तो क्या आप भी चाहते हैं कि इसरा और सुल्तान एक दूसरे के साथ खुश रहे? अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू की अगली किस्त में आप देखेंगे साहिल और खुशबू की खुफिया मुलाकातें ज़्यादा बार होने लगी। इनकी मोहब्बत बहार के बाग की तरह खुलने लगी। वो चुपे कोनों में मिलते, मीठे अल्फाज और हंसी का तबादला करते। साहिल ने खुशबू का तारुफ अपने दोस्तों अली और नताशा से कराया, जिन्होंने उसे दिल से खुशामदीद कहा। जब वो ज़्यादा वक्त साथ गुजारने लगे तो साहिल को एहसास हुआ कि वो अपने जज्बात को और छुपा नहीं सकता। उसने खुशबू के खूबसूरत बाग में ले गया। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। खुलते फूलों के नीचे उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसके अल्फाज दरिया की तरह बह रहे थे। खुशबू के दिल धड़कने लगा, वो भी ऐसा ही महसूस करती थी, लेकिन खौफ और समाजी तौक़ात उसे रोक रहा था। उसने साहिल की आंखों में देखा, उसकी आवाज़ बेमुश्किल सरगोशी से ऊपर थी। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ साहिल। इनके होंठ एक नरम मगर पुरजोश बोसे में मिले, जिसे इनके इर्द गिर्द की दुनिया पिघल गई हो। उन्हें मालूम था कि इनकी मोहब्बत ममनू है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सकते थे। वो अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। इधर बासित अली खुशबू के वालिद उसके बार बार गायब होने पर शक में पड़ गए। उन्होंने उसे मुख्तलिफ समाजी तबके के किसी मोहब्बत करने के खतरात से आगाह किया, लेकिन खुशबू का दिल सुनने को तैयार न था। जब किस्त ख़त्म होती है, साहिल और खुशबू की मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन आगे की राहें नाकाबिल उबूर लिखती है कि इनकी मोहब्बत इन चैलेंजेस को पार कर पाएगी या वो सहरा में फूलों की तरह मर जाएंगी। व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल शिद्दत की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब सुल्तान को मैसेज आता है
और इस राय से पूछती है कि कौन है, तो सुल्तान खामोश हो जाता है और हंसता है और कहेगा कि और कौन हो सकता है, इशार लिया है। व्यूअर्स, ये सुनकर इसरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि बार बार ये सुल्तान को मैसेज क्यों कर रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अपनी तस्वीर पोस्ट करेगा और आप देखेंगे कि इस पर सुल्तान का बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। और व्यूअर्स, इसरा बहुत ज़्यादा परेशान है इस वजह से कि सुल्तान मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। लेकिन व्यूअर्स, आप अगले किस्त में देखेंगे कि अब इसरा भी सुल्तान को इग्नोर करना शुरू कर देगी और इसका ये रिजल्ट आएगा कि सुल्तान के साथ ये फिक्र होगा कि आखिरकार मुझे क्यों इग्नोर कर रही है। व्यूअर्स, सुल्तान ये चाहता है कि मैं कई लड़कों से मिलूँ और लड़कियों के साथ डिनर करूँ, लंच करूँ और इसके साथ इस तरह रेस्टोरेंट पे जाओ, और ये सब कुछ इसरा को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसरा चाहती है कि बस मेरे माजी में जो भी था वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने आने वाले टाइम में सुल्तान के साथ रहना चाहती हूँ, इसके साथ खुशी खुशी अपने लाइफ गुजारना चाहती हूँ। तो क्या आप भी चाहते हैं कि इसरा और सुल्तान एक दूसरे के साथ खुश रहे? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू के अगली किस्त में आप देखेंगे साहिल और खुशबू की खुफिया मुलाकातें ज़्यादा बार बार होने लगी। इनकी मोहब्बत बहार के बाग की तरह खुलने लगी। वो चुपे कोनों में मिलते, मीठे अल्फाज और हंसी का तबादला करते। साहिल ने खुशबू का तआरुफ अपने दोस्तों अली और नताशा से कराया, जिन्होंने उसे दिल से खुशामदीद कहा। जब वो ज़्यादा वक्त साथ गुजारने लगे तो साहिल को एहसास हुआ कि वो अपने जज्बात को और छुपा नहीं सकता। उसने खुशबू के खूबसूरत बाग में ले गया। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। खुलते फूलों के नीचे उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसके अल्फाज दरिया की तरह बह रहे थे। खुशबू के दिल धड़कने लगा। वो भी ऐसा ही महसूस करती थी, लेकिन खौफ और समाजी तवक्कुआत उसे रोक रहा था। उसने साहिल की आंखों में देखा, उसकी आवाज़ बेमुश्किल सरगोशी से ऊपर थी। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ साहिल। इनके होंठ एक नरम मगर पुरजोश बोसे में मिले, जिसे इनके इर्द गिर्द की दुनिया पिघल गई हो। उन्हें मालूम था कि इनकी मोहब्बत ममनू है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सकते थे। वो अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। इधर बासित अली, खुशबू के वालिद, उसके बार बार गायब होने पर शक में पड़ गए। उन्होंने उसे मुख्तलिफ समाजी तबके के किसी मोहब्बत करने के खतरात से आगाह किया, लेकिन खुशबू का दिल सुनने को तैयार न था। जब किस्त ख़त्म होती है, साहिल और खुशबू की मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन आगे की राह नाकाबिल उबूर लिखती है कि इनकी मोहब्बत इन चैलेंजेस को पार कर पाएगी या वो सहरा में फूलों की तरह मर जा जाएंगी। व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शिद्दत की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, जब सुल्तान को मैसेज आता है और इसरा से पूछती है कि कौन है, तो सुल्तान खामोश हो जाता है और हंसता है और कहेगा कि और कौन हो सकता है, इशार लिया है। व्यूअर्स, ये सुनकर इसरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि बार बार ये सुल्तान को मैसेज क्यों कर रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अपनी तस्वीर पोस्ट करेगा और आप देखेंगे कि इस पर सुल्तान का बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। और व्यूअर्स, इसरा बहुत ज़्यादा परेशान है इस वजह से कि सुल्तान मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। लेकिन व्यूअर्स, आप अगले किस्त में देखेंगे कि अब इसरा भी सुल्तान को इग्नोर करना शुरू कर देगी और इसका ये रिजल्ट आएगा कि सुल्तान के साथ ये फिक्र होगा कि आखिरकार मुझे क्यों इग्नोर कर रही है। व्यूअर्स, सुल्तान ये चाहता है कि मैं कई लड़कों से मिलूँ और लड़कियों के साथ डिनर करूँ, लंच करूँ और इसके साथ इस तरह रेस्टोरेंट पे जाओ, और ये सब कुछ इसरा को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसरा चाहती है कि बस मेरे माजी में जो भी था वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने आने वाले टाइम में सुल्तान के साथ रहना चाहती हूँ, इसके साथ खुशी खुशी अपने लाइफ गुजारना चाहती हूँ। तो क्या आप भी चाहते हैं कि इसरा और सुल्तान एक दूसरे के साथ खुश रहे? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू की अगली किस्त में आप देखेंगे साहिल और खुशबू की खुफिया मुलाकातें ज़्यादा बार बार होने लगी। इनकी मोहब्बत बहार के बाग की तरह खुलने लगी। वो चुपे कोनों में मिलते, मीठे अल्फाज और हंसी का तबादला करते। साहिल ने खुशबू का तआरुफ अपने दोस्तों अली और नताशा से कराया, जिन्होंने उसे दिल से खुशामदीद कहा।
जब वो ज़्यादा वक्त साथ गुजारने लगे तो साहिल को एहसास हुआ कि वो अपने जज्बात को और छुपा नहीं सकता। उसने खुशबू के खूबसूरत बाग में ले गया। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। कुलते फूलों के नीचे उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसके अल्फाज दरिया की तरह बह रहे थे। खुशबू के दिल धड़कने लगा। वो भी ऐसा ही महसूस करती थी, लेकिन खौफ और समाजी तौक़ात उसे रोक रहा था। उसने साहिल की आंखों में देखा। उसकी आवाज़ बेमुश्किल सरगोशी से ऊपर थी। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ साहिल। इनके होंठ एक नरम मगर पुरजोश बोसे में मिले, जिसे इनके इर्द गिर्द की दुनिया पिघल गई हो। उन्हें मालूम था कि इनकी मोहब्बत ममनू है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सकते थे। वो अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। इधर बासित अली खुशबू के वालिद उसके बार बार गायब होने पर शक में पड़ गए। उन्होंने उसे मुख्तलिफ समाजी तबके के किसी मोहब्बत करने के खतरात से आगाह किया, लेकिन खुशबू का दिल सुनने को तैयार न था। जब किस्त ख़त्म होती है, साहिल और खुशबू की मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन आगे की राहें नाकाबिल उबूर लिखती है कि इनकी मोहब्बत इन चैलेंजेस को पार कर पाएगी या वो सहरा में फूलों की तरह मर जाएंगी। व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल शिद्दत की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, जब सुल्तान को मैसेज आता है और इस राय से पूछते हैं कि कौन है, तो सुल्तान खामोश हो जाता है और हंसता है और कहेगा कि और कौन हो सकता है, इशार लिए है। व्यूअर्स, ये सुनकर इस राय बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि बार बार ये सुल्तान को मैसेज क्यों कर रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अपनी तस्वीर पोस्ट करेगा और आप देखेंगे कि इस पर सुल्तान का बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। और व्यूअर्स, इस राय बहुत ज़्यादा परेशान है इस वजह से कि सुल्तान मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। लेकिन व्यूअर्स, आप अगले किस्त में देखेंगे कि अब इसरा भी सुल्तान को इग्नोर करना शुरू कर देगी, और इसका ये रिजल्ट आएगा कि सुल्तान के साथ ये फिक्र होगा कि आखिरकार मुझे क्यों इग्नोर कर रही है। और सुल्तान ये चाहता है कि मैं कई लड़कों से मिलूं और लड़कियों के साथ डिनर करूं, लंच करूं, और इसके साथ इस तरह रेस्टोरेंट पे जाओ, और ये सब कुछ इसरा को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसरा चाहती है कि बस मेरे माजी में जो भी था वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने आने वाले टाइम में सुल्तान के साथ रहना चाहती हूँ, इसके साथ खुशी खुशी अपने लाइफ गुजारना चाहती हूँ। तो क्या आप भी चाहते हैं कि इसरा और सुल्तान एक दूसरे के साथ खुश रहे? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू की अगली किस्त में आप देखेंगे साहिल और खुशबू की खुफिया मुलाकातें ज़्यादा बार होने लगी। इनकी मोहब्बत बहार के बाग की तरह खुलने लगी। कुछ चुपे कोनों में मिलते मीठे अल्फाज और हंसी का तबादला करते। साहिल ने खुशबू का तारुफ अपने दोस्तों अली और नताशा से कराया, जिन्होंने उसे दिल से खुशामदीद कहा। जब वो ज़्यादा वक्त साथ गुजारने लगे तो साहिल को एहसास हुआ कि वो अपने जज्बात को और छुपा नहीं सकता। उसने खुशबू के खूबसूरत बाग में ले गया। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। कुलते फूलों के नीचे उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसके अल्फाज दरिया की तरह बह रहे थे। खुशबू के दिल धड़कने लगा। वो भी ऐसा ही महसूस करती थी, लेकिन खौफ और समाजी तौक़ात उसे रोक रहा था। उसने साहिल की आंखों में देखा। उसकी आवाज़ बेमुश्किल सरगोशी से ऊपर थी। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ साहिल। इनके होंठ एक नरम मगर पुरजोश बोसे में मिले, जिसे इनके इर्द गिर्द की दुनिया पिघल गई हो। उन्हें मालूम था कि इनकी मोहब्बत ममनू है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सकते थे। वो अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। इधर बासित अली खुशबू के वालिद उसके बार बार गायब होने पर शक में पड़ गए। उन्होंने उसे मुख्तलिफ समाजी तबके के किसी मोहब्बत करने के खतरात से आगाह किया, लेकिन खुशबू का दिल सुनने को तैयार न था। जब किस्त ख़त्म होती है, साहिल और खुशबू की मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन आगे की राहें नाकाबिल उबूर लिखती है कि इनकी मोहब्बत इन चैलेंजेस को पार कर पाएगी या वो सहरा में फूलों की तरह मर जाएंगी। व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल शिद्दत की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, जब सुल्तान को मैसेज आता है
और इस राज से पूछती है कि कौन है, तो सुल्तान खामोश हो जाता है और हंसता है और कहेगा कि और कौन हो सकता है, इशार लिया है। व्यूअर्स, ये सुनकर इसरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि बार बार ये सुल्तान को मैसेज क्यों कर रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अपनी तस्वीर पोस्ट करेगा और आप देखेंगे कि इस पर सुल्तान का बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। और व्यूअर्स, इसरा बहुत ज़्यादा परेशान है इस वजह से कि सुल्तान मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। लेकिन व्यूअर्स, आप अगले किस्त में देखेंगे कि अब इसरा भी सुल्तान को इग्नोर करना शुरू कर देगी और इसका ये रिजल्ट आएगा कि सुल्तान के साथ ये फिक्र होगा कि आखिरकार मुझे क्यों इग्नोर कर रही है। वो सुल्तान ये चाहता है कि मैं कई लड़कों से मिलूं और लड़कियों के साथ डिनर करूं, लंच करूं और इसके साथ इस तरह रेस्टोरेंट पे जाओ, और ये सब कुछ इसरा को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसरा चाहती है कि बस मेरे माजी में जो भी था वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने आने वाले टाइम में सुल्तान के साथ रहना चाहती हूँ, उसके साथ खुशी खुशी अपने लाइफ गुजारना चाहती हूँ। तो क्या आप भी चाहते हैं कि इसरा और सुल्तान एक दूसरे के साथ खुश रहे? अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू के अगली किस्त में आप देखेंगे साहिल और खुशबू की खुफिया मुलाकातें ज़्यादा बार बार होने लगी। इनकी मोहब्बत बहार के बाग की तरह खुलने लगी। कुछ चुपे कोनों में मिलते मीठे अल्फाज और हंसी का तबादला करते। साहिल ने खुशबू का तारुफ अपने दोस्तों अली और नताशा से कराया, जिन्होंने उसे दिल से खुशामदीद कहा। जब वो ज़्यादा वक्त साथ गुजारने लगे तो साहिल को एहसास हुआ कि वो अपने जज्बात को और छुपा नहीं सकता। उसने खुशबू के खूबसूरत बाग में ले गया। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। खुलते फूलों के नीचे उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसके अल्फाज दरिया की तरह बह रहे थे। खुशबू के दिल धड़कने लगा। वो भी ऐसा ही महसूस करती थी, लेकिन खौफ और समाजी तवक्कुआत उसे रोक रहा था। उसने साहिल की आंखों में देखा, उसकी आवाज़ बेमुश्किल सरगोशी से ऊपर थी। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ साहिल। इनके होंठ एक नरम मगर पुरजोश बोसे में मिले, जिसे इनके इर्द गिर्द की दुनिया पिघल गई हो। उन्हें मालूम था कि इनकी मोहब्बत ममनू है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सकते थे। वो अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। इधर बासित अली, खुशबू के वालिद, उसके बार बार गायब होने पर शक में पड़ गए। उन्होंने उसे मुख्तलिफ समाजी तबके के किसी मोहब्बत करने के खतरात से आगाह किया, लेकिन खुशबू का दिल सुनने को तैयार न था। जब किस्त ख़त्म होती है, साहिल और खुशबू की मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन आगे की राहें नाकाबिल उबूर लिखती है कि इनकी मोहब्बत इन चैलेंजेस को पार कर पाएगी या वो सहरा में फूलों की तरह मर जाएगी। व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शिद्दत की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, जब सुल्तान को मैसेज आता है और इसरा इसे पूछती है कि कौन है, तो सुल्तान खामोश हो जाता है और हंसता है और कहेगा कि और कौन हो सकता है, इशार लिया है। व्यूअर्स, ये सुनकर इसरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि बार बार ये सुल्तान को मैसेज क्यों कर रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अपनी तस्वीर पोस्ट करेगा और आप देखेंगे कि इस पर सुल्तान का बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। और व्यूअर्स, इसरा बहुत ज़्यादा परेशान है इस वजह से कि सुल्तान मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। लेकिन व्यूअर्स, आप अगले किस्त में देखेंगे कि अब इसरा भी सुल्तान को इग्नोर करना शुरू कर देगी और इसका ये रिजल्ट आएगा कि सुल्तान के साथ ये फिक्र होगा कि आखिरकार मुझे क्यों इग्नोर कर रही है। वो सुल्तान ये चाहता है कि मैं कई लड़कों से मिलूं और लड़कियों के साथ डिनर करूं, लंच करूं और इसके साथ इस तरह रेस्टोरेंट पे जाओ, और ये सब कुछ इसरा को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसरा चाहती है कि बस मेरे माजी में जो भी था वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने आने वाले टाइम में सुल्तान के साथ रहना चाहती हूँ, उसके साथ खुशी खुशी अपने लाइफ गुजारना चाहती हूँ। तो क्या आप भी चाहते हैं कि इसरा और सुल्तान एक दूसरे के साथ खुश रहे? अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू की अगली किस्त में आप देखेंगे साहिल और खुशबू की खुफिया मुलाकातें ज़्यादा बार होने लगी। इनकी मोहब्बत बहार के बाग की तरह खुलने लगी। कुछ चुपे कोनों में मिलते मीठे अल्फाज और हंसी का तबादला करते। साहिल ने खुशबू का तारुफ अपने दोस्तों अली और नताशा से कराया, जिन्होंने उसे दिल से खुशामदीद कहा।
जब वो ज़्यादा वक्त साथ गुजारने लगे तो साहिल को एहसास हुआ कि वो अपने जज्बात को और छुपा नहीं सकता। उसने खुशबू के खूबसूरत बाग में ले गया। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। खुलते फूलों के नीचे उसने अपने मोहब्बत का इजहार किया। इसके अल्फाज दरिया की तरह बह रहे थे। खुशबू के दिल धड़कने लगा। वो भी ऐसा ही महसूस करती थी, लेकिन खौफ और समाजी तौक़ात उसे रोक रहा था। उसने साहिल की आंखों में देखा। उसकी आवाज़ बेमुश्किल सरगोशी से ऊपर थी। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ साहिल। इनके होंठ एक नरम मगर पुरजोश बोसे में मिले, जिसे इनके इर्द गिर्द की दुनिया पिघल गई हो। उन्हें मालूम था कि इनकी मोहब्बत ममनू है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सकते थे। वो अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। इधर बासित अली खुशबू के वालिद उसके बार बार गायब होने पर शक में पड़ गए। उन्होंने उसे मुख्तलिफ समाजी तबके के किसी मोहब्बत करने के खतरात से आगाह किया, लेकिन खुशबू का दिल सुनने को तैयार न था। जब किस्त ख़त्म होती है, साहिल और खुशबू की मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन आगे की राह नाकाबिल उबूर लिखती है कि इनकी मोहब्बत इन चैलेंजेस को पार कर पाएगी या वो सहरा में फूलों की तरह मर जाएंगी। व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शिद्दत की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब सुल्तान को मैसेज आता है और इस राय से पूछते हैं कि कौन है, तो सुल्तान खामोश हो जाता है और हंसता है और कहेगा कि और कौन हो सकता है, इशार लिए। व्यूअर्स, ये सुनकर इस राय बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि बार बार ये सुल्तान को मैसेज क्यों कर रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अपनी तस्वीर पोस्ट करेगा और आप देखेंगे कि इस पर सुल्तान का बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। और व्यूअर्स, इस राय बहुत ज़्यादा परेशान है इस वजह से कि सुल्तान मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। लेकिन व्यूअर्स, आप अगले किस में देखेंगे ये कि अब इसरा भी सुल्तान को इग्नोर करना शुरू कर देगी, और इसका ये रिजल्ट आएगा कि सुल्तान के साथ ये फिक्र होगा कि आखिरकार मुझे क्यों इग्नोर कर रही है। और सुल्तान ये चाहता है कि मैं कई लड़कों से मिलूं और लड़कियों के साथ डिनर करूं, लंच करूं, और इसके साथ इस तरह रेस्टोरेंट पे जाओ, और ये सब कुछ इसरा को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसरा चाहती है कि बस मेरे माजी में जो भी था वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने आने वाले टाइम में सुल्तान के साथ रहना चाहती हूँ, इसके साथ खुशी खुशी अपने लाइफ गुजारना चाहती हूँ। तो क्या आप भी चाहते हैं कि इसरा और सुल्तान एक दूसरे के साथ खुश रहे? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू के अगली किस्त में आप देखेंगे साहिल और खुशबू की खुफिया मुलाकातें ज़्यादा बार होने लगी। इनकी मोहब्बत बहार के बाग की तरह खुलने लगी। वो चुपे कोनों में मिलते, मीठे अल्फाज और हंसी का तबादला करते। साहिल ने खुशबू का तारुफ अपने दोस्तों अली और नताशा से कराया, जिन्होंने उसे दिल से खुशामदीद कहा। जब वो ज़्यादा वक्त साथ गुजारने लगे तो साहिल को एहसास हुआ कि वो अपने जज्बात को और छुपा नहीं सकता। उसने खुशबू के खूबसूरत बाग में ले गया। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। खुलते फूलों के नीचे उसने अपने मोहब्बत का इजहार किया। इसके अल्फाज दरिया की तरह बह रहे थे। खुशबू के दिल धड़कने लगा। वो भी ऐसा ही महसूस करती थी, लेकिन खौफ और समाजी तौक़ात उसे रोक रहा था। उसने साहिल की आंखों में देखा। उसकी आवाज़ बेमुश्किल सरगोशी से ऊपर थी। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ साहिल। इनके होंठ एक नरम मगर पुरजोश बोसे में मिले, जिसे इनके इर्द गिर्द की दुनिया पिघल गई हो। उन्हें मालूम था कि इनकी मोहब्बत ममनू है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सकते थे। वो अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। इधर बासित अली खुशबू के वालिद उसके बार बार गायब होने पर शक में पड़ गए। उन्होंने उसे मुख्तलिफ समाजी तबके के किसी मोहब्बत करने के खतरात से आगाह किया, लेकिन खुशबू का दिल सुनने को तैयार न था। जब किस्त ख़त्म होती है, साहिल और खुशबू की मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन आगे की राह नाकाबिल उबूर लिखती है कि इनकी मोहब्बत इन चैलेंजेस को पार कर पाएगी या वो सहरा में फूलों की तरह मर जाएंगी। व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शिद्दत के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, जब सुल्तान को मैसेज आता है और इसराइल से पूछते हैं कि कौन है, तो सुल्तान खामोश हो जाता है और हंसता है और कहेगा कि और कौन हो सकता है, इशार लिया है। व्यूअर्स ये सुनकर इसरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि बार बार ये सुल्तान को मैसेज क्यों कर रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अपनी तस्वीर पोस्ट करेगा और आप देखेंगे कि इस पर सुल्तान का बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। और व्यूअर्स इसरा बहुत ज़्यादा परेशान है इस वजह से कि सुल्तान मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। लेकिन व्यूअर्स आप अगले किस्त में देखेंगे कि अब इसरा भी सुल्तान को इग्नोर करना शुरू कर देगी और इसका ये रिजल्ट आएगा कि सुल्तान के साथ ये फिक्र होगा कि आखिरकार मुझे क्यों इग्नोर कर रही है। व्यूअर्स सुल्तान ये चाहता है कि मैं कई लड़कों से मिलूँ और लड़कियों के साथ डिनर करूँ, लंच करूँ और इसके साथ इस तरह रेस्टोरेंट पे जाओ, और ये सब कुछ इसरा को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसरा चाहती है कि बस मेरे माजी में जो भी था वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने आने वाले टाइम में सुल्तान के साथ रहना चाहती हूँ, उसके साथ खुशी खुशी अपने लाइफ गुजारना चाहती हूँ। तो क्या आप भी चाहते हैं कि इसरा और सुल्तान एक दूसरे के साथ खुश रहे? अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू के अगली किस्त में आप देखेंगे साहिल और खुशबू की खुफिया मुलाकातें ज़्यादा बार बार होने लगी। इनकी मोहब्बत बहार के बाग की तरह खुलने लगी। कुछ चुहपे कोनों में मिलते, मीठे अल्फाज और हंसी का तबादला करते। साहिल ने खुशबू का तारुब अपने दोस्तों अली और नताशा से कराया, जिन्होंने उसे दिल से खुशामदीद कहा। जब वो ज़्यादा वक्त साथ गुजारने लगे तो साहिल को एहसास हुआ कि वो अपने जज्बात को और छुपा नहीं सकता। उसने खुशबू के खूबसूरत बाग में ले गया। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। खुलते फूलों के नीचे उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसके अल्फाज दरिया की तरह बह रहे थे। खुशबू की दिल धड़कने लगा। वो भी ऐसा ही महसूस करती थी, लेकिन खौफ और समाजी तौक़ात उसे रोक रहा था। उसने साहिल की आंखों में देखा, उसकी आवाज़ बेमुश्किल सरगोशी से ऊपर थी। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ साहिल। इनके होंठ एक नरम मगर पुरजोश बोसे में मिले, जिसे इनके इर्द गिर्द की दुनिया पिघल गई हो। उन्हें मालूम था कि इनकी मोहब्बत ममनू है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सकते थे। वो अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। इधर बासित अली खुशबू के वालिद उसके बार बार गायब होने पर शक में पड़ गए। उन्होंने उसे मुख्तलिफ समाजी तबके के किसी मोहब्बत करने के खतरात से आगाह किया, लेकिन खुशबू का दिल सुनने को तैयार न था। जब किस्त ख़त्म होती है, साहिल और खुशबू की मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन आगे की राहें नाकाबिल उबूर लिखती है कि इनकी मोहब्बत इन चैलेंजेस को पार कर पाएगी या वो सहरा में फूलों की तरह मर जाएंगी। व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शिद्दत के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, जब सुल्तान को मैसेज आता है और इसराइल से पूछते हैं कि कौन है, तो सुल्तान खामोश हो जाता है और हंसता है और कहेगा कि और कौन हो सकता है, इशार लिया है। व्यूअर्स ये सुनकर इसरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि बार बार ये सुल्तान को मैसेज क्यों कर रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अपनी तस्वीर पोस्ट करेगा और आप देखेंगे कि इस पर सुल्तान का बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। और व्यूअर्स इसरा बहुत ज़्यादा परेशान है इस वजह से कि सुल्तान मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। लेकिन व्यूअर्स आप अगले किस्त में देखेंगे कि अब इसरा भी सुल्तान को इग्नोर करना शुरू कर देगी और इसका ये रिजल्ट आएगा कि सुल्तान के साथ ये फिक्र होगा कि आखिरकार मुझे क्यों इग्नोर कर रही है। व्यूअर्स सुल्तान ये चाहता है कि मैं कई लड़कों से मिलूँ और लड़कियों के साथ डिनर करो, लंच करो और इसके साथ इस तरह रेस्टोरेंट पे जाओ, और ये सब कुछ इसरा को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसरा चाहती है कि बस मेरे माजी में जो भी था वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने आने वाले टाइम में सुल्तान के साथ रहना चाहती हूँ, उसके साथ खुशी खुशी अपने लाइफ गुजारना चाहती हूँ। तो क्या आप भी चाहते हैं कि इसरा और सुल्तान एक दूसरे के साथ खुश रहे? अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू के अगली किस्त में आप देखेंगे साहिल और खुशबू की खुफिया मुलाकातें ज़्यादा बार
बार होने लगी। इनकी मोहब्बत बहार के बाग की तरह खुलने लगी। वो चुपे कोनों में मिलते, मीठे अल्फाज और हंसी का तबादला करते। साहिल ने खुशबू का तारुफ अपने दोस्तों अली और नताशा से कराया, जिन्होंने उसे दिल से खुशामदीद कहा। जब वो ज़्यादा वक्त साथ गुजारने लगे तो साहिल को एहसास हुआ कि वो अपने जज्बात को और छुपा नहीं सकता। उसने खुशबू के खूबसूरत बाग में ले गया। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। खुलते फूलों के नीचे उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसके अल्फाज दरिया की तरह बह रहे थे। खुशबू के दिल धड़कने लगा। वो भी ऐसा ही महसूस करती थी, लेकिन खौफ और समाजी तौक़ात उसे रोक रहा था। उसने साहिल की आंखों में देखा। उसकी आवाज़ बेमुश्किल सरगोशी से ऊपर थी। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ साहिल। इनके होंठ एक नरम मगर पुरजोश बोसे में मिले, जिसे इनके इर्द गिर्द की दुनिया पिघल गई हो। उन्हें मालूम था कि इनकी मोहब्बत ममनू है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सकते थे। वो अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। इधर बासित अली खुशबू के वालिद उसके बार बार गायब होने पर शक में पड़ गए। उन्होंने उसे मुख्तलिफ समाजी तबके के किसी मोहब्बत करने के खतरात से आगाह किया, लेकिन खुशबू का दिल सुनने को तैयार न था। जब किस्त ख़त्म होती है, साहिल और खुशबू की मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन आगे की राहें नाकाबिल उबूर लिखती है कि इनकी मोहब्बत इन चैलेंजेस को पार कर पाएगी या वो सहरा में फूलों की तरह मर जाएंगी। व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल शिद्दत की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, जब सुल्तान को मैसेज आता है और इस राय से पूछते हैं कि कौन है, तो सुल्तान खामोश हो जाता है और हंसता है और कहेगा कि और कौन हो सकता है, इशार लिए है। व्यूअर्स, ये सुनकर इस राय बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि बार बार ये सुल्तान को मैसेज क्यों कर रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अपनी तस्वीर पोस्ट करेगा और आप देखेंगे कि इस पर सुल्तान का बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। और व्यूअर्स, इस राय बहुत ज़्यादा परेशान है इस वजह से कि सुल्तान मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। लेकिन व्यूअर्स, आप अगले किस्त में देखेंगे कि अब इसरा भी सुल्तान को इग्नोर करना शुरू कर देगी, और इसका ये रिजल्ट आएगा कि सुल्तान के साथ ये फिक्र होगा कि आखिरकार मुझे क्यों इग्नोर कर रही है। और सुल्तान ये चाहता है कि मैं कई लड़कों से मिलूं और लड़कियों के साथ डिनर करो, लंच करो, और इसके साथ इस तरह रेस्टोरेंट पे जाओ, और ये सब कुछ इसरा को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसरा चाहती है कि बस मेरे माजी में जो भी था वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने आने वाले टाइम में सुल्तान के साथ रहना चाहती हूँ, उसके साथ खुशी खुशी अपने लाइफ गुजारना चाहती हूँ। तो क्या आप भी चाहते हैं कि इसरा और सुल्तान एक दूसरे के साथ खुश रहे? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू की अगली किस्त में आप देखेंगे साहिल और खुशबू की खुफिया मुलाकातें ज़्यादा बार होने लगी। इनकी मोहब्बत बहार के बाग की तरह खुलने लगी। वो चुपे कोनों में मिलते, मीठे अल्फाज और हंसी का तबादला करते। साहिल ने खुशबू का तारुफ अपने दोस्तों अली और नताशा से कराया, जिन्होंने उसे दिल से खुशामदीद कहा। जब वो ज़्यादा वक्त साथ गुजारने लगे तो साहिल को एहसास हुआ कि वो अपने जज्बात को और छुपा नहीं सकता। उसने खुशबू के खूबसूरत बाग में ले गया। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। खुलते फूलों के नीचे उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसके अल्फाज दरिया की तरह बह रहे थे। खुशबू के दिल धड़कने लगा। वो भी ऐसा ही महसूस करती थी, लेकिन खौफ और समाजी तौक़ात उसे रोक रहा था। उसने साहिल की आंखों में देखा। उसकी आवाज़ बेमुश्किल सरगोशी से ऊपर थी। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ साहिल। इनके होंठ एक नरम मगर पुरजोश बोसे में मिले, जिसे इनके इर्द गिर्द की दुनिया पिघल गई हो। उन्हें मालूम था कि इनकी मोहब्बत ममनू है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सकते थे। वो अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। इधर बासित अली खुशबू के वालिद उसके बार बार गायब होने पर शक में पड़ गए। उन्होंने उसे मुख्तलिफ समाजी तबके के किसी मोहब्बत करने के खतरात से आगाह किया, लेकिन खुशबू का दिल सुनने को तैयार न था। जब किस्त ख़त्म होती है, साहिल और खुशबू की मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन आगे की राहें नाकाबिल उबूर लिखती है कि इनकी मोहब्बत इन चैलेंजेस को पार कर पाएगी या वो सहरा में फूलों की तरह मर जाएंगी।
चाहते व्यूअर्स ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शिद्दत की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब सुल्तान को मैसेज आता है और इसरा इसे पूछती है कि कौन है, तो सुल्तान खामोश हो जाता है और हंसता है और कहेगा कि और कौन हो सकता है, इशा अली है। व्यूअर्स ये सुनकर इसरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि बार बार ये सुल्तान को मैसेज क्यों कर रही है। और दूसरी तरफ